अब पहले तो हमारा उद्देश्य है शांति स्थापित करना, और मैं सबको अपील भी करना चाहता हूँ। और हमने मेवात का इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि लोग अफवाह ना फैलाएं, और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर शांति बहाल करें। हरियाणा के नूह में VHP द्वारा भगवा यात्रा निकाले जाने के दौरान हुए दंगों में कई गाड़ियां जला दी गई और जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों द्वारा नूह में कई जगह गोलियां चलाई जा रही हैं। नूह में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है कि पुलिस को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा केंद्र से मदद मांगी गई है और केंद्र द्वारा भेजी जा रही फोर्स को उन सभी जगहों पर भेजा जाएगा जहां लोग फंसे हुए हैं, ताकि उन्हें एयर ड्रॉप किया जा सके। विज ने बताया कि मेवात के SP छुट्टी पर हैं और पलवल के SP के पास चार्ज है, और SP पलवल, DGP व ACS होम से उनकी बात हुई है। अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है। हमारा पहला उद्देश्य है वहां पर शांति कायम करना और हालात पर काबू करना। नू में जो है VHP जो है एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिसके बाद वहां पर दंगे हुए, कई गाड़ियां जो है वो फूंक दी गई। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह कानून ये मुझे जानकारी मिली है, और मैंने तुरंत, क्योंकि मेवात के SP छुट्टी पर हैं और पलवल के SP के पास ड्यूल चार्ज है, मैंने पलवल के SP से भी बात की है, मैंने DGP से भी बात की है, मैंने ACS होम से भी बात की है, और हम अतिरिक्त पुलिस भिजवा रहे हैं। हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो है वहाँ पर शांति कायम करना, और ये जो वहाँ पर हालात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है, काफ़ी गाड़ियाँ फूंक दी, थानों को निशाना? नहीं, अभी तो हम अपनी फोर्स को भेज रहे हैं कि भाई अगर कहीं कोई लोग घिरे हुए हैं या लोगों को रोका गया है तो वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जाए। सब सिविल हॉस्पिटल्स को भी जो है वो रखा गया है, अगर किसी को चोट पीटा तो उन्हें भी। CMO पलवल को भी मैंने कहा है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से, अगर कोई जख्मी वहाँ पर कुछ लोग आए हैं तो बता रहे हैं, तो उनके ऊपर इमीडिएटली मेडिकल हेल्प दी जाए, और कुछ लोगों को नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भी शिफ्ट किया गया। सर, काफ़ी उपद्रव हुआ है, काफ़ी तोड़फोड़ हुई है, किस तरीके से दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अब पहले तो हमारा उद्देश्य है शांति स्थापित करना, और मैं सबको अपील भी करना चाहता हूँ कि शांति वहाँ पर स्थापित की जाए, और उसके बाद हम देखेंगे अगर कहीं पर कोई कमी रही है या किसी की गलती रही है तो उसके हम उसके बारे में सोचेंगे, कार्रवाई करेंगे। कुछ जो है वो किया जाए? नहीं, बिल्कुल, वो पुलिस को, फोर्स को एयर ड्रॉप कर रहे हैं वहाँ पर, और जल्दी सारों को रेस्क्यू किया जाएगा। और हमने मेवात का इंटरनेट भी बंद कर दिया ताकि लोग अफवाहें ना फैलाएं, और मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि वहाँ पर शांति बहाल करें। सब कितनी कंपनियाँ जो हैं केंद्र से अप्लाई की हैं? वो अभी डिटेल आ जाएगी, लेकिन अभी जल्दी वहाँ पर एयर ड्रॉप कर रहे हैं। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और अपने एप्पल और एंड्रॉइड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।